हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक सबस्टेशन एंड प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। कुछ डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सबस्टेशन, डेफिनेशन सबस्टेशन की विथ डायग्राम। अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा आउटडोर सबस्टेशन, इंडोर सबस्टेशन, गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन, सब कुछ। तो वीडियो के आखिर तक बने रहे। तो फर्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सबस्टेशन। तो अ सबस्टेशन इज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सबस्टेशन एक पार्ट होता है जनरेशन का, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सबस्टेशन ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करेंगे तो सबस्टेशन ट्रांसफार्मर वोल्टेज फ्रॉम हाई टू लो और द रिवर्स पावर फ्रॉम एनी सेवरल अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन लाइक स्विचिंग एंड कन्वर्टिंग। तो सबस्टेशन इज एन असेंबली ऑफ एपरेटस होता है जो जनरली जनरेशन ट्रांसमिशन सिस्टम को क्या है कंट्रोल करता है। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। अगर हम हिस्ट्री है तो वो अभी हम नहीं देखते, ये नहीं पूछता एग्जाम में। अगर हम बात करेंगे नीड ऑफ सबस्टेशन की, तो जनरली सबस्टेशन का यूज स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए, लोड बैलेंसिंग के लिए, मीटरिंग के लिए एज वेल एज रिवर्स पावर फ्लो को रिड्यूस करने के लिए हम सबस्टेशन का यूज़ करते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ सबस्टेशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट ट्रांसफार्मर की टाइप्स है। ट्रांसफार्मर सबस्टेशन, स्विचिंग सबस्टेशन, पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन, फ्रीक्वेंसी चेंजर सबस्टेशन, इंडस्ट्रियल सबस्टेशन एंड कन्वर्टिंग सबस्टेशन। हम वन बाय वन इसका नेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन फीचर की बात करेंगे तो आउटडोर सबस्टेशन, इंडोर सबस्टेशन, अंडरग्राउंड सबस्टेशन एंड पोल माउंटेड सबस्टेशन। देन इनकी डेफिनेशन देखेंगे विथ डायग्राम। अगर आप विथ डायग्राम देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझेगा। तो हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट। तो उसका पहला था ट्रांसफार्मर सबस्टेशन। तो आप इसके डायग्राम देख सकते हैं, देखिए कितना बड़ा ट्रांसफार्मर है, उसके सामने ह्यूमन बींग्स बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं, आप देख ही सकते हैं डायग्राम में। तो अगर हम इस सबस्टेशन की बात करेंगे तो दिस सबस्टेशन विच चेंज द वोल्टेज लेवल और कॉल ट्रांसफार्मर सबस्टेशन। जो वोल्टेज लेवल को हाई से लो या फिर लो से हाई करते हैं जिस सबस्टेशन में, तो हम उसे ट्रांसफार्मर सबस्टेशन कहेंगे। द नेक्स्ट है स्विचिंग सबस्टेशन। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो जनरली इसका स्विचिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता होगा। दिस टाइप ऑफ सबस्टेशन सिंपली परफॉर्म द स्विचिंग ऑपरेशन ऑफ पावर लाइन। तो ये उसकी बस आपको सिंपली डेफिनेशन ही लिख देना है तो आपका काम हो जाएगा। द नेक्स्ट है पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन। तो आपको दिख रहे होंगे बिग कैपेसिटर की जैसे दिख रहे हैं। तो दिस सबस्टेशन विच इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम और कल पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन। दिज आर जनरली लोकेटेड एट द रिसीविंग एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। दे जनरली यूज सिंक्रोनस कंडेंसर एज पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट इक्विपमेंट। तो वो जनरली सिंक्रोनस कंडेंसर का इसके लिए यूज किया जाता है इसमें। द नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी चेंजर सबस्टेशन। तो आपको नाम पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि इसमें फ्रीक्वेंसी को चेंज करता हूँ, आप डायग्राम देख सकते हैं। दिस सबस्टेशन विच चेंज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी आर नोन एज फ्रीक्वेंसी चेंजर सबस्टेशन। जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी को जो सबस्टेशन चेंज करता है उसे फ्रीक्वेंसी चेंजर सबस्टेशन कहते हैं। सच अ फ्रीक्वेंसी चेंज मे बी रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन। द नेक्स्ट है कन्वर्टिंग सबस्टेशन। तो नाम देख के समझ में आ रहा है कि इसमें कन्वर्ट करता होगा, तो आप डायग्राम देख सकते हैं पहले। तो इसमें कह रहा है कि यूज टू कन्वर्ट एसी पावर इनटू डीसी पावर बाय यूजिंग स्टैटिक कन्वर्टिंग डिवाइसेस लाइक एससीआर, यूज फॉर ट्रैक्शन, इलेक्ट्रोपेटिंग एंड वेल्डिंग। तो इस सबस्टेशन में क्या होता है, इस सबस्टेशन का यूज एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। द नेक्स्ट की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन फीचर। तो कंस्ट्रक्शन फीचर की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है आउटडोर सबस्टेशन। अब ये सबस्टेशन ओपन टू एयर रहेगा जो हमें दिखाई देगा, आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसे हम कहेंगे आउटडोर सबस्टेशन। तो वी प्रिफर दिस टाइप ऑफ सबस्टेशन व्हेन वोल्टेज इज अबव 66 केवी।
66 किलोवोल्ट के ऊपर आउटर सबस्टेशन का यूज किया जाता है. बिकॉज ऑफ सच अ वोल्टेज द क्लियरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड द स्पेट रिक्वायर्ड फॉर स्विचेस सर्किट ब्रेकर एंड अदर इक्विपमेंट बिकम सो ग्रेट सो इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल टू इंस्टॉल द इक्विपमेंट इनडोर. इस सबस्टेशन में क्या होता है कि 66 किलोवोल्ट के अबव हाई वोल्टेज रहता है. हाई वोल्टेज रहने की वजह से जो भी इक्विपमेंट है उसके लिए दोनों या फिर जितने भी इक्विपमेंट है उसके लिए क्लियरेंस ज़्यादा लगता है, मतलब गैप थोड़ी ज़्यादा लगती है. तो इसलिए अगर हम इंडोर की बात करेंगे तो उसमें मतलब बहुत कॉस्टली हो जाएंगे वो. अगर हम ओपन टू एयर रखेंगे तो जो भी वॉल वगैरह बनाते हैं उसकी भी जो कॉस्ट है वो सेविंग होगी, तो इसलिए उसका आउटडोर का यूज़ करते हैं. देन द नेक्स्ट है इंडोर सबस्टेशन. तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आसपास पूरा फैक्ट है, ये एक जैसे वॉल वगैरह है ये पूरा पैक्ड रहता है, ये इंडोर रहता है. जैसे कोई घर घर वगैरह रहता है उसके अंदर, जैसे जनरली वी यूज इंडोर टाइप ऑफ सबस्टेशन फॉर वोल्टेजेस अप टू 11 किलो वोल्ट बट दिस रेंज कैन बी इंक्रीज अप टू 66 किलो वोल्ट इफ एटमोसफियर इज कंटेमिनेटेड विद इम्प्योरिटीज. मतलब अगर जैसे कोई जगह है जिसके जिसमें बहुत एयर पोल्यूशन है या फिर जो पोल्यूशन है फिर इम्प्योरिटीज है एटमोसफियर में, तो ऐसी जगह पर क्या करते हैं 11 किलो वोल्ट या फिर 33 किलो वोल्ट या फिर 66 किलो वोल्ट तक हम इंडोर सबस्टेशन का यूज़ कर सकते हैं ऐसी जगह पर. द नेक्स्ट है अंडरग्राउंड सबस्टेशन. तो आपको डायग्राम में देखिए क्लियरली क्लियरली समझ में आ रहा होगा. देखिए एक ग्राउंड फ्लोर के नीचे में पूरे इक्विपमेंट लगे हैं, ऊपर आपकी रोड है, रोड के ऊपर आप कार भी देख सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे अंडरग्राउंड सबस्टेशन. तो दिस टाइप ऑफ सबस्टेशन इज प्रीफर्ड इन हाईली पॉपुलेटेड एरिया वेयर द स्पेस अवेलेबल इज लिमिटेड एंड कॉस्टली टू. अब ऐसी जगह है, ऐसी लैंड है जहाँ पे बहुत कॉस्टली है वो लैंड, तो ऐसी जगह पे क्या करेंगे हम अंडरग्राउंड सबस्टेशन का यूज़ करेंगे. और यहाँ पे बहुत हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसमें कैसा है शॉक एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं अंडरग्राउंड सबस्टेशन का यूज़ करते हैं. देन हम नेक्स्ट बात करेंगे पोल माउंटेड सबस्टेशन. तो डायग्राम में आपको जो दिख रहा है वह है पोल माउंटेड सबस्टेशन. तो ये जनरली सभी घरों में, तो सभी गाँव में आप देख सकते होंगे, अब जहाँ पे भी रस्सों से जाते होंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे पोल माउंटेड सबस्टेशन दिखते होंगे. तो जनरली ये 11 किलो वोल्ट के होते हैं. दिस इज एन आउटडोर सबस्टेशन विद इक्विपमेंट इंस्टॉल ओवरहेड ऑन एच पोल और फोर पोल स्ट्रक्चर यूज फॉर वोल्टेजेस अप टू 11 किलो वोल्ट और 33 इन सम केसेस. तो इसमें इनकमिंग जो होती है वो 11 किलो वोल्ट की होती है और इसको स्टेप डाउन किया जाता है 400 वोल्ट में. द नेक्स्ट है सबस्टेशन लेआउट की अगर हम बात करेंगे तो ये सबस्टेशन है, उसमें नंबरिंग दी गई है और उस नंबर के हिसाब से उसमें लिखा है कि कौन से लाइन को क्या कहते हैं. जैसे वन नंबर दिया है तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी पावर लाइन. जो नंबर टू ग्रीन कलर का जो वायर दिख रहा है उसे हम कहेंगे ग्राउंड वायर. जो डायरेक्ट लाइटनिंग से ये इनडायरेक्ट लाइटिंग से प्रोटेक्ट करता है. देन थर्ड नंबर का वायर आपको दिख रहा होगा इसे हम कहेंगे ओवरहेड लाइन. फोर्थ नंबर का आपको आप नंबर देखते जाइएगा, फोर्थ नंबर जहाँ जहाँ पे भी दिया है तो उसे हम कहेंगे ट्रांसफार्मर फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज. देन जिसमें भी फाइव नंबर दिया उसे हम कहेंगे डिस्कनेक्ट स्विच या फिर आइसोलेटर. देन जो सिक्स नंबर दिया है उसे हम कहेंगे सर्किट ब्रेकर. सेवन नंबर का करंट ट्रांसफार्मर. एट नंबर का लाइटनिंग रेस्टर. तो वैसे ही इसी साइड में भी है. देन नेक्स्ट देखेंगे हम करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है. तो करंट ट्रांसफार्मर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड प्रोटेक्टिव रिलेज. तो आप डायग्राम देख सकते हैं करंट ट्रांसफार्मर की. फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की आप डायग्राम देख सकते हैं रिड्यूस हाई वोल्टेज इन फिक्स्ड वोल्टेज एंड मेजरमेंट पर्पज ऑल्सो. देन ये है आइसोलेटर. तो आइसोलेटर जो होता है स्विचिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे सर्किट ब्रेकर को रिपेयर करना है तो उस टाइम क्या होता है हम आइसोलेटर का यूज़ करते हैं. तो आप पढ़ लीजिएगा, हम नेक्स्ट देखते हैं. यह है आइसोलेटर. तो जो आपको जो दिख रहा होगा आइसोलेटर क्लोज, तो जनरली इसे हम कहेंगे डबल ब्रेक आइसोलेटर. इसे हम कहेंगे डबल ब्रेक आइसोलेटर. ओके देन आता है रिलेज. तो रिलेज क्या करता है, रिलेज ऑटोमेटिक डिवाइस विच सेंसेस एन एब्नॉर्मल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट
and closes its contact. This contact in turn closes and completes the circuit breaker. Trip coil circuit is make the circuit breaker tape for disconnecting the faulty portion of the electrical circuit from rest of the healthy circuit. रिले क्या करता है, जब भी पावर लाइन में एबनॉर्मल कंडीशन आती है तो उसको सेंस करता है रिले और वो एक ट्रिप कमांड सेंड करता है सर्किट ब्रेकर को. सर्किट ब्रेकर सिग्नल रिसीव करता है, ट्रिप कमांड रिसीव करता है रिले से और अपने कॉन्ट्रैक्ट है वो जो ओपन कर देता है. देन कनेक्शन डायग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव रिले है. देन आप डायग्राम में देख सकते हैं, पहले डायग्राम में दिया है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, सेकेंड डायग्राम में दिया है ऑयल सर्किट ब्रेकर, थर्ड डायग्राम में दिया है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एंड फोर्थ डायग्राम में दिया है सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर. देन लाइटनिंग अरेस्टर की बात करें तो आप डायग्राम में देख सकते हैं. तो इसका यूज़ की हम अगर बात करेंगे तो लाइटनिंग अरेस्टर इज अ डिवाइस यूज्ड ऑन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम टू प्रोटेक्ट द इंसुलेशन ऑन द सिस्टम फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग. तो लाइटनिंग क्या करता है, लाइटनिंग अरेस्टर वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लाइटनिंग दोनों लाइटनिंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. जो भी हाई वोल्टेज आता है उसको ग्राउंड में वो सर्ज कर देता है. देन ये डायग्राम है पावर ट्रांसफॉर्मर की. दिस ये है सबस्टेशन की अर्थिंग, एवरी इंस्ट्रूमेंट इज अ लाइटनिंग अरेस्टर. देन है आप कंट्रोल रूम की डायग्राम देख सकते हैं. ये है कंट्रोल रूम जिसमें बहुत सारे पैनल्स लगे हुए होते हैं, तो अलग अलग फीडर के लिए अलग अलग पैनल होते हैं. देन आप नीचे की इसमें देख सकते हैं प्रोटेक्शन पर्पज के लिए. देन आप सबस्टेशन में देख रहे होंगे ये फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए यूज किया जाता है. नाइट्रोजन इंजेक्शन वैन कंट्रोल पैनल रिसील इंडिकेशन, तो ये फायर प्रोटेक्शन सिस्टम का है जो भी रेड रेड में जो भी दिख रहा है. देन नेक्स्ट हमारा वेव ट्रैप. तो वेव ट्रैप के लिए आप डायग्राम देख सकते हैं. तो इसमें क्या होता है, रिलायबल एंड फास्ट कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर. तो वेव ट्रैप क्या करता है, जो पावर सिग्नल होता है उसको अलाउ करता है एंड कम्युनिकेशन सिग्नल को ब्लॉक करता है. तो ये जैसे नॉर्मल फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज उसको यहाँ अलाउ करता है और जैसे हाई फ्रिक्वेंसी आ गई तो वो सबस्टेशन में आने से उसको ब्लॉक कर देता है. देन ये डायग्राम है गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन की. गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन यूज सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस विच हैज सुपीरियर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन आर यूज वेयर देयर इज अ स्पेस फॉर प्रोवाइडिंग द सबस्टेशन इज एक्सपेंसिव इन लार्ज सिटीज एंड टाउन. तो ऐसी जगह पे जहाँ पे स्पेस बहुत एक्सपेंसिव होती है तो ऐसी जगह पे हम गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन का यूज किया जाता है क्योंकि इस सबस्टेशन के लिए स्पेस बहुत ही मिनिमम रिक्वायर्ड होती है. बहुत कम स्पेस में यह सबस्टेशन बन जाता है, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी नहीं होता. तो इसमें अगर हम इंसुलेटेड मीडिया की बात करेंगे तो इसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस जो होती है उसका यूज़ किया जाता है. तो जो भी आप पढ़ लीजिएगा तो सबस्टेशन ही ऑटोमेशन है जहाँ पे भी ऑटोमेशन इसका मतलब कंट्रोल किया जाता है. तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो. इसमें जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थे मैंने आपको बता दी हूँ विद डायग्राम. तो आई होप आपको पसंद आई हो. थैंक यू एंड दैट्स ऑल.